त्योहारों के दौरान प्रदूषण कम करने के लिए जारी दिशा निर्देशों पर पर्यावरण विभाग के विशेष सचिव महादेव कावरे ने कहा कि इस साल लोगों को केवल दिवाली, छठ, गुरु पर्व, क्रिसमस और नए साल के अवसर पर हरित पटाखे फोड़ने की अनुमति है। दिवाली और गुरु पर्व के लिए रात 8 बजे से रात 10 बजे तक का समय आवंटित किया गया है। क्रिसमस और नए साल के लिए रात 11:55 से 12:30 बजे तक फटाके फोड़े जा सकते हैं। छठ के लिए फटाके फोड़ने के लिए सुबह 6 बजे से सुबह 8 बजे तक का समय आवंटित किया गया है। छत्तीसगढ़ के बड़े शहरों जैसे रायपुर, रायगढ़, बिलासपुर आदि में 1 दिसंबर से 31 जनवरी तक 2 महीने के लिए फटाके फोड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। छत्तीसगढ़ शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग के द्वारा फटाकों को लेकर गाइडलाइन जारी की गई है। इस वर्ष जो दीपावली, छठ पर्व, गुरु पर्व, क्रिसमस और नववर्ष के अवसर पर जो पटाखे फोड़े जाते हैं उसमें हरित पटाखे ही लोग फोड़ पाएंगे और इसका जो समय रहेगा दीपावली और गुरु पर्व के लिए रात्रि 8 बजे से 10 बजे का समय निर्धारित किया गया है। इसी प्रकार से क्रिसमस और नववर्ष के लिए 11:55 से 12:30 तक का रात्रि का समय निर्धारित किया गया। छठ पर्व के लिए सुबह 6 से 8 बजे तक का समय जो है निर्धारित किया गया है। जी हाँ, जो बड़े शहर हैं छत्तीसगढ़ के, रायपुर, दुर्ग, भिलाई, रायगढ़, बिलासपुर और कोरबा, इन शहरों में ठंड के समय 1 नवंबर से 1 दिसंबर से 31 जनवरी तक 2 महीने का समय रहेगा जिसमें पटाखे जो है वरना प्रतिबंधित रहेगा। जी हाँ, प्रदूषण के बारे में लोगों को अवेयर करना है और लोग जो है इस बात को समझें कि अभी जो शहरों में एयर की जो क्वालिटी है उसको देखते हुए ये इस तरह के जो दिशा निर्देश जारी किए गए उसको सभी लोग जो है पालन करें, इसी मनसा है।